हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट वन का ही लास्ट लेक्चर ग्रेडिंग करने जा रहे हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है, इसके साथ आपका यूनिट वन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, ये जो आपका ग्रेडिंग है ये आपका यूनिट थ्री में भी इंक्लूड है। ग्रेडिंग सिस्टम टॉपिक का नाम है और ये यानी कि ये वाला जो आपका टॉपिक है दो यूनिट्स में कवर होता है। ठीक है जी, तो ग्रेडिंग सिस्टम से मेरे को लगता नहीं है कि कोई भी स्टूडेंट वाकिफ नहीं होगा। ठीक है जी, हाँ, हर एक स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? एजुकेशन के अंदर एक प्रोसेस है, प्रणाली है, जिसमें क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। इसका जो लेवल्स है, स्टूडेंट्स के लेवल्स है, वेरी करते हैं, जिसमें वो लेवल्स में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स के, उन जो परफॉर्मेंस का डिफरेंस है, जो नॉलेज का डिफरेंस है स्टूडेंट्स के बीच में, वो वेरिंग जो लेवल्स हैं उनको मेजरमेंट करते हैं हम ग्रेड्स के थ्रू। ये ग्रेडिंग क्या है? ग्रेडिंग सिस्टम एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ठीक है जी, जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, भारतीय शिक्षा प्रणाली है, जो उसके अंदर जो हमारा ग्रेडिंग सिस्टम था वो 2009-10 में स्टार्ट हुआ था। 2009-10 में ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंदर, ये 2009-10 में स्टार्ट हुआ था। इससे पहले हमारा स्कोरिंग सिस्टम चलता था। ठीक है जी, सीबीएसई में चलता था ये, हाँ, ग्रेडिंग सिस्टम चलता था सीबीएसई के अंदर, लेकिन हमारे जो लोकल बोर्ड थे, स्टेट बोर्ड्स वगैरह थे, उनमें हमारा स्कोरिंग सिस्टम चलता था, मार्क्स चलते थे। तो हमने क्या किया, जब वर्कशॉप चलाई गई, जो कार्यशालाएं होती हैं उनमें देखा गया कि जो मार्क्स सिस्टम है, स्कोरिंग सिस्टम है, वो एक एक्यूरेट नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर मार्क्स सिस्टम में देखें, जैसे कि मैं मार्क्स सिस्टम में पढ़ी हूँ, अप टू अभी ये ग्रेडिंग सिस्टम भी 9-10 तक का ही है। 10th आपको ग्रेडिंग सिस्टम से चलाया था, उसके बाद फिर आपका स्कोरिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो आपका जो मार्क्स के अंदर क्या है कि जो 60% है, 60% का हमारे हमें फर्स्ट डिवीजन माना जाता है, अप टू 60, जिसके भी 60 आ जाते हैं उसके फर्स्ट डिवीजन हो जाते हैं। यानी कि 60 to 100, 60% से 100% तक के स्टूडेंट्स हैं जो, वो क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, उनको फर्स्ट डिवीजन ही माना जाएगा। और फिर 40 to 60, सेकेंड डिवीजन, देन आपका उसके बाद बिलो 35 आपका फेल। यही सिस्टम चलता था ना पहले। ठीक है जी, तो जो अगर हम देखें, अगर इस हम इसके अंदर देखें, तो जो 60% वाला है, जो 60% है, 60 to 100, क्या वो उनका लेवल सेम है? एक स्टूडेंट 60% गेन कर रहा है, एक स्टूडेंट 70% वाला है, वो जो 60 वाला हुआ, जो 70 वाला हुआ, या 85 वाला हुआ, क्या इनका, ये अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो इनकी नॉलेज और इनका जो नॉलेज लेवल है वो सेम रहेगा? नहीं ना, ऑब्वियसली बात है, 60% वाले का लेवल है 85% से बहुत डिफरेंट होगा, बहुत कम होगा। ठीक है ना, तो फिर ये इक्वल क्यों माने जा रहे हैं? इनको इक्वल मानना सही नहीं है ना। तो ये जो कमियां है इनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है जी, हमने क्या किया, ग्रेडिंग सिस्टम में, इंडिया में ग्रेडिंग सिस्टम लाया गया। ठीक है जी, अब और इसके अंदर एक कमी और भी देखी गई, जैसे 59.99% है टू 60% है, ये तो फर्स्ट डिविजन में माना गया, लेकिन ये हमारा क्या है, सेकेंड डिविजन में माना गया। तो क्या इनका जो नॉलेज लेवल है वो डिफरेंट होगा? नहीं होगा ना, जो 59.99% है उसका नॉलेज लेवल 60% से, 60% वाले बच्चे के साथ नॉलेज लेवल मैच, नियर अबाउट मैच ही करता होगा, उनका सेम सा ही होगा। ठीक है, लेकिन इसको सेकेंड डिवीजन में रखा गया और इसको फर्स्ट डिवीजन में रखा गया। तो इन कमियों को पूरा करने के लिए हम
ग्रेडिंग सिस्टम लेके आए, हाँ, जो हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर ग्रेडिंग सिस्टम आया ताकि हम इस इन कमियों को पूरा कर सकें। और इसमें एक कमी और भी है, जो मार्क्स स्कोरिंग सिस्टम है उसके अंदर अदर एक्टिविटीज को नहीं लिया जाता, जो हम कहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज, शैक्षिक जो क्रियाएं होती हैं। इनको ग्रेड पॉइंट दिए जाते हैं, पॉइंट्स जिन्हें नंबर भी बोल सकते हैं, ग्रेड उनको वैसे ग्रेड पॉइंट के नाम से पुकारा जाता है। ओ के लिए 6 पॉइंट्स होते हैं, जिसका ओ ग्रेड होगा उनको कैलकुलेशंस के टाइम पे 6 पॉइंट्स दिए जाते हैं। A के लिए 5, B के लिए 4, C
सी के लिए 3, डी के लिए 2, ई के लिए 1, 0, ठीक है जी। अब देखो कहीं तो हम तीन में एग्जिस्ट कर रहे थे, पास फेल, उसके बाद पास के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, तीन ही डिवीजन के अंदर हम पास स्टूडेंट्स को ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे जो है सात डिवीजन में हो गया है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर 91 to 100 यानी कि 40% की जगह पे हमने किसको लिया, 10% की वेरिएशन को ले लिया। 91 to 100 जो है स्टूडेंट्स एक जैसे ही है, उनका मानना है कि वो सारे एक ही लेवल के है, एक ही जैसी नॉलेज है उनकी जो 91 to 100 है। अगर उनमें वेरिएशन आई है तो वो किस वजह से आई है, हमारे जो उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे जो कई बार होता है, कुछ सिचुएशंस होती हैं, कंडीशंस ऐसे हो जाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है कुछ स्टूडेंट्स की और कुछ स्टूडेंट्स की अच्छी हो जाती है, उन वजह से वेरिएशन आती है। तो उन्होंने क्या किया है कि जैसे ये है 100 to 91 के बीच में, 91 to 100 हो गया, ये हमारा 81 to 90 हो गया, ये हमारा 71 to 80 हो गया, और ये हमारा 61 to 70 हो गया। यानी कि जिस तक हम एक ही ले रहे थे, एक फर्स्ट डिवीजन ले रहे थे, वहां तक हमारे चार तरह की, हमने चार वेरिएशंस बना लिए, चार तरह के लेवल बना लिए हैं, जिसे हम कहेंगे यहाँ पे हमारा 51 to 60 हो जाएगा, 41 to 50 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 31 to 40 आ जाएगा, जिसमें कि हम फेलियर में घोषित कर देते हैं, ठीक है जी। तो हमारा ये क्या हो गया, ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, जिसके अंदर हमने इस तरह से पॉइंट्स बना दिए हैं, और अब मैंने आपको बता भी दिया किस तरह से यहाँ पे लाई करते हैं। रफली अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे 91 to 100, यहाँ पे 81 to 90, यहाँ पे 71 to 80, यहाँ पे 61 to 70, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 51 to 60, और यहाँ पे हमारा 41 to 50, और इसके नीचे हमारा फेल एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। ये हमारा फेलियर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारे कहाँ कहाँ पे ये लाई करते हैं वो बता दिया मैंने, कि ये जो ग्रेड्स हैं वो किन किन परसेंटेज वालों को ग्रेड्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट्स है, अगर ओ ग्रेड है तो आपके 6 ग्रेड पॉइंट्स हो गए हैं, ठीक है जी। उसके बाद इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इसका अर्थ क्या है, ओ से क्या होता है आपका आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशिष्ट, ठीक है जी। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको मैं ब्लैक पेन से लिख देती हूँ ताकि आपको हिंदी में इसे विशिष्ट बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग को। फिर उसके बाद है वेरी गुड, जो हमारा ओ ग्रेड वाला है वो तो आउटस्टैंडिंग है, विशिष्ट है, उसकी नॉलेज बहुत ज्यादा अच्छी है। लेकिन हमारा जो ए ग्रेड वाला है जो 81 से 90 के बीच में एग्जिस्ट करता है, वो भी कम नहीं है, वो भी काफी अच्छा है, उसके लिए हम वेरी गुड का जो हम रिमार्क देते हैं वो वेरी गुड का रिमार्क दे देते हैं, ठीक है जी, यानी कि अति उत्तम, ठीक है जी। फिर हमारा गुड का आदत है गुड यानी कि उत्तम है, यहां पे हमारा एवरेज आ जाता है, सॉरी यहां पे अबव एवरेज आ रहा था, जो हमारा 71 to 80 है वो हमारा अबव एवरेज आएगा, गुड नहीं बोलेंगे हमें इसको, अबव एवरेज बोलेंगे,
यानी कि ये क्या है, एवरेज के ऊपर है, इसको एवरेज नहीं मानेंगे, एवरेज के ऊपर मानेंगे लेकिन गुड भी नहीं मानेंगे, ठीक है जी। 71 to 80 से जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से होंगे, जो अबव एवरेज है लेकिन गुड नहीं है, ठीक है। हिंदी में इसको उत्तम बोलेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एवरेज, जो हमारे 61 टू 70 है वो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है जी। और हमारे जो ये होते हैं 51 टू 60, ये पुअर स्टूडेंट्स में आएंगे, और ये बिलो एवरेज आएंगे, यानी कि एवरेज पुअर तो नहीं है लेकिन बिलो एवरेज है, ये बिलो एवरेज आएंगे। वाले पुअर में आ जाएंगे, पुअर स्टूडेंट्स काउंट होंगे वो, और ये वैलिड पुअर होंगे, ठीक है। जब भी आप एग्जाम में लिखोगे बच्चे तो आपको ये नहीं लिखना है, ये आपको समझाने के लिए था, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, इसको आप एग्जाम के अंदर इंक्लूड करोगे। ये आपका ये आ गया कि ये जो ओवर है वो आउटस्टैंडिंग है, विशिष्ट है, लेकिन ए वाले हमारे वेरी गुड है, अति उत्तम है, ठीक है जी। और जो हमारे ये है अबव, ये बी वाले अबव एवरेज है, उत्तम है, और ये हमारे औसत है, सी वाले एवरेज है औसत, और ये निम्न औसत, ठीक है जी। और ये निकृष्ट पुअर स्टूडेंट्स, और ये अति निकृष्ट, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम चलता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डिस्क्राइब करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं स्टूडेंट्स को 7 कैटेगरीज के अंदर, ठीक है जी। जबकि स्कोरिंग सिस्टम में 3 कैटेगरी के अंदर, 4 कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता था, यानी कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, फेलियर। लेकिन यहाँ पे हमने 7 कैटेगरी के अंदर डिस्क्रिमिनेट कर दिया, जिससे कि हम ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं ग्रेडिंग सिस्टम के अंदर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को, स्टूडेंट्स के नॉलेज लेवल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आगे बात आती है कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, जब इसके पॉइंट्स बनाए जाएंगे तो इसको कैलकुलेट कैसे करना है स्टूडेंट्स, ग्रेडिंग सिस्टम को, हाउ टू कैलकुलेट ग्रेडिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडिंग पॉइंट्स। कैलकुलेशन ऑफ ग्रेडिंग पॉइंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे कि जो आपका ग्रेड बिंदु औसत की गणना, सबसे पहले हम कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ग्रेड नंबर लिखेंगे इसके अंदर, ग्रेड और नंबर, जैसे कि क्वेश्चन है, सीरियल नंबर है, डिफरेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है।
है, सेवन क्वेश्चंस मान लो आपने, हमने सेवन क्वेश्चंस को आंसर किया है, या हमारे टोटल भी सेवन क्वेश्चंस में हमने आंसर करने थे, तो हमने सेवन क्वेश्चंस को आंसर कर दिए है, ठीक है जी। तो उनके लिए हमें कौन कौन से ग्रेड मिले हैं, पहला जो हमें ग्रेड मिला है जिसे हमें यहाँ पे बी मिल गया है, हमारा जो परफॉर्मेंस लेवल था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो टीचर को बी ग्रेड के इक्वल लगा, तो हमें यहाँ पे बी ग्रेड मिल गया, हमें यहाँ पे हमें बी, सेकंड में भी बी मिल गया, लेकिन थर्ड में हमें हमारा परफॉर्मेंस और भी पुअर था, यानी कि एवरेज था हमारा जो, क्योंकि सी पे हमारा एवरेज आता है, तो जो हमारा थर्ड पे था तो एवरेज था, तो उन्होंने सी ग्रेड दे दिया। उसके बाद हमें ए, फोर्थ में ए मिल गया, फिफ्थ में भी बी मिला हमें, और सिक्स्थ में और सेवन्थ में बी मिले, ठीक है। ये सात क्वेश्चंस थे जिनमें हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह से ग्रेड कर दिया है हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, हमारे परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारे टीचर ने इस तरह से ग्रेड कर दिया हमें, ठीक है। हमें पता है जो हमारा बी ओ ग्रेड था उसमें हमें 6 पॉइंट्स मिलते थे, ए में हमें 5 पॉइंट्स मिलते थे, और हमें बी में हमें कितने मिल रहे हैं 4 पॉइंट्स, तो हमारे यहाँ पे कितने पॉइंट्स हुए, अगर हम नंबर्स में लिखेंगे इनको तो हमें यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे भी 4 मिले, लेकिन यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिले, यहाँ पे हमें 5 मिले, यहाँ पे हमें फिर से 4 मिले, यहाँ पे हमें 5 मिले, और यहाँ पे भी हमें 5 मिले। यहाँ पे एवरेज ग्रेड पॉइंट आना था, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है जी। तो अगर हम उनको कैलकुलेट करते हैं, अगर उनको टोटल करते हैं, सम अप करते हैं, तो हमारे ये बनेंगे 4, 4, 8, 8 plus 3, 11, 11 plus 5, 16, 16 plus 4, 20, 20 plus 5, 25 and 5 plus 5, 30। तो हमारे ये क्या बन गए, 30 स्कोर्स बन गए आउट ऑफ, यानी कि 30 ग्रेड पॉइंट बन गए, लेकिन कितने क्वेश्चंस में बने हैं, 7 क्वेश्चंस में बने हैं, तो डिवाइड बाय हम कर देंगे 7, ठीक है जी। 30 क्वेश्चंस डिवाइड बाय सॉरी 30 ग्रेड पॉइंट्स डिवाइड बाय 7, तो हमारा एवरेज ग्रेड पॉइंट आ जाएगा, जो कि हमारा बनेगा 4.28, ठीक है जी। ये हमारा एवरेज ग्रेड पॉइंट आ गया। इस तरह से हम किसी भी चीज का एवरेज ग्रेड पॉइंट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम औसत ग्रेड बिंदु औसत बोलते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि क्वेश्चन जो है उनमें परफॉर्मेंस के लेवल को देखते हुए ए बी सी ग्रेड देके और उनके जो नंबर है, जो ग्रेड पॉइंट्स है, यहाँ पे ग्रेड पॉइंट भी बोल सकते हो आप, ग्रेड पॉइंट भी बोलवा उसको, इस तरह से हम ग्रेड पॉइंट एवरेज ग्रेड पॉइंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये 4.28 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था आपका ग्रेडिंग सिस्टम, इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, अभी हम करेंगे इसके एडवांटेजेस। इसके सबसे पहला बड़ा एडवांटेज क्या है बच्चे, कि ये रिड्यूस कर देते हैं हमारा जो प्रेशर है, स्टूडेंट्स का प्रेशर है, जो स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस कर देते हैं, तनाव को कम कर देते हैं। सेकेंडली क्या है कि ये हमारा जो है
एक अच्छा डिस्क्रिमिनेट करता है, अच्छी तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 कैटेगरीज में डिस्क्रिमिनेट किया है, वहाँ पे हम 4 कैटेगरीज में डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। इस तरह से हम अच्छी तरह से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को भी ऐड किया जाता है यहाँ पे, ये नहीं है सिर्फ अकेडमिक को ऐड किया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपके 3 एडवांटेज हो गए हैं। उसके बाद और एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपका आपको पता है कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी से आपका जो है ये नहीं है कि आपको एकदम से क्योंकि जो अच्छा रिड्यूस कैसे करें आपके प्रेशर को, इस तरह से प्रेशर को रिड्यूस कर रहे हैं कि आपको सिर्फ 91 से 100 तक एग्जिस्ट करना है। तो ये नहीं है कि आप एक एक नंबर के लिए भी कम्पीट कर रहे हो, आपको एक एक मार्क्स के लिए कम्पीट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि स्कोरिंग सिस्टम में क्या होता था कि आपको पोजीशंस दी जाती थी तो आपको प्रॉपर नंबर पता होते थे, एक एक नंबर के लिए हम कम्पीट करते थे, लेकिन यहाँ पे वो कंपटीशन है वो खत्म कर दिया गया। तो इसी के साथ रिड्यूस हो गया है प्रेशर स्टूडेंट्स का, उनको उस तरह से एक एक स्कोर के लिए कम्पीट नहीं करना है। ठीक है जी, सेकेंडली जो मैंने आपको बोला कि हाँ जो डिस्क्रिमिनेट है वो बहुत अच्छी तरीके से कर दिया गया है, कैटेगरीज बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि 62 मतलब 40% वाले एक ही कैटेगरी के माने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप मतलब आपको पता है कि हाँ ये है कि 91 से 100 तक का जो नॉलेज लेवल है वो सेम सा ही रहता है, परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो जाती है लेकिन जो नॉलेज लेवल है अगर हम बात करें वो सेम सा ही रहता है, और ओवरऑल परफॉर्मेंसेस को लिया जाता है। यहाँ पे आपका नीट एंड क्लीन का भी देखा जाएगा, ड्रेसिंग सेंस का भी देखा जाएगा, आपका आंसरिंग का भी देखा जाएगा कि आप किस तरह से आंसरिंग कर रहे हो। ठीक है ना, जो आपके जो मेजरमेंट है वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर है, आपका एबिलिटी क्या है, कैसी है आंसर एकदम से आंसर करने की, आपने अदर एक्टिविटीज में कैसा किया है, परफॉर्म किया है, कितना आपने पार्टिसिपेट किया, वो सारी जो है इनमें इंक्लूड होती है ग्रेडिंग सिस्टम में। तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस, आपको एक्टिवनेस जो आपके अंदर बढ़ जाती है इससे। ठीक है, तो और इसके डिसएडवांटेजेस, लेकिन इसके साथ साथ ही इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, कमियां भी हैं, दोष जिसे हम कहते हैं वो क्या होंगी, वो देखो आपका कंपटीशन लेवल सबसे बड़ा कम है, जो इसका वो है डिसएडवांटेज है वो है कि आपका जो प्रतिस्पर्धा की आपके अंदर भावना होती है वो कम कर देता है, जो आपका कॉम्पिटिटिव जो अंदर जो आपके अंदर फीलिंग्स आती है एक एक मार्क्स के लिए जब आप लड़ते हो आपके अंदर एक हम कहते हैं कंपटीशन की भावना आ जाती है, एक अंदर फीलिंग्स आ जाती है, वो उसको बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसा तो है ही नहीं है कि एक एक नंबर के लिए आपने कम्पीट करना है, आपको तो क्या करना है, आपने तो सिर्फ 91 से 100 के बीच में एग्जिस्ट करना है, 81 से 90 के बीच में, और जो 10 नंबर जो 10% का वेरिएशन होता है ना वो भी कम नहीं होता है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है जिसको ये एक मान लेते हैं। आप खुद सोच के देखो, जिसके 91% मार्क्स आ रहे हैं और जिसके 100% मार्क्स आ रहे हैं, क्या उनका नॉलेज लेवल सेम हो सकता है, नहीं हो सकता ना बच्चे। 91 और जिसके 100 आ रहे हैं उनका नॉलेज लेवल कभी भी सेम नहीं होगा, उनके अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, लेकिन जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो एक ही रखा है कि वो कह रहे हैं कि ये एक ही लेवल के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो इनएक्यूरेट जो है ग्रेडिंग पॉइंट्स हैं इनके, जो इनएक्यूरेट इसमें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनएप्रोप्रिएट भी बोल सकते हैं, इनएक्यूरेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आपका स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट है, जो बहुत 7 पॉइंट्स में तो कर दिया लेकिन अभी भी सफिशियंट नहीं है, और भी होने चाहिए, जिसमें मैं कह रही हूँ कि 91 और 100 वाला सेम नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है ना, तो इस तरह से ये सेम नहीं हो सकते, इनको और भी बढ़ाना चाहिए, और इसका मतलब जो कैटेगराइजेशन है इसकी और बड़ी करनी चाहिए।